अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, साउथ अमेरिका में मौजूद पूमा पुंकू एक ऐसी जगह है जो कई सवालात खड़े करती है। साइंटिस्ट मानते हैं कि इस इमारत को एलियंस ने बनाया था, क्योंकि बिना जदीद टेक्नोलॉजी के इसको बना पाना लगभग नामुमकिन है। इस इमारत में चंद सीढ़ियाँ मिली हैं जो बिल्कुल लेक जैसी बनी हुई हैं कि मानो इनको किसी मशीन से एक ही बार में तराश दिया गया हो। इसके अलावा यहाँ पे कुछ पत्थरों पे ऐसे डिज़ाइन पाए गए हैं जिसको बनाने की ज़रूरत न थी, और बिना जदीद टेक्नोलॉजी के ऐसे डिज़ाइन बनाना नामुमकिन है। ये बातें ये साबित करती हैं कि ऐसा करना इनके लिए ज़रा बराबर मुश्किल ना रहा होगा। इस जगह पे खुदाई के दौरान एक दीवार मिली जिस पे काफ़ी चेहरे बने हुए थे, जिनमें कुछ चेहरे तो एलियंस को दिखाते थे। आज के इस वीडियो में मैं आपको पूमा पुंग की तारीख और इसकी मिस्ट्री के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो की जाने बढ़ने से कबल आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे नए आने वाले वीडियोस आपको बड़े वक्त और बआसानी मिल सकें। नाज़रीन, ये इमारत जब दरियाफ्त हुई थी तो साइंटिस्ट का ये ख्याल था कि ये तकरीबन आज से 2000 साल पहले तामीर की गई होगी, मगर नाज़रीन बाद में यहाँ पे जब कुछ दोबारा तहकीकातें की गईं तो साइंटिस्ट को ये मालूम हुआ कि ये इमारत 2000 साल पुरानी नहीं है, बल्कि ये इमारत तो 17000 साल से भी ज़ायद पुरानी है। मतलब इसको उस वक्त में तराशा और बनाया गया जब इंसान पत्थरों की कारों में रहा करता था। यहाँ सबसे पहले ये पत्थर मिले जो कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट एच की शेप के हैं, जिनको एक दूसरे के ऊपर जोड़ने से वो कैसी इमारत बनाते हैं जिसको खड़ा रहने के लिए किसी भी कारे या सीमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। पूमा पुंकू से कुछ दूरी पर मौजूद है थियानाकू, यहाँ एक बहुत बड़ा पत्थर का दरवाज़ा मिला जिसका वज़न 70 टन से भी ज़ायद है। ये दोनों जगह अपने आप में एक अजूबा हैं जिन्होंने बड़े बड़े साइंसदानों को चकरा कर रख दिया है। यहाँ पे एक 17000 साल पुराना प्याला मिला है जिस पे समेरियन जबान लिखी गई है, जबकि समेरियन लोगों से इस जगह की दूरी लगभग 8500 किलोमीटर से ज़ायद है। तो आज से 17000 साल पहले क्या इन दोनों तहजीबों के दरमियान कोई कॉन्टेक्ट था? साइंटिस्ट मानते हैं कि समेरिया में और पूमा पुंकू में पूछे जाने वाले देवता एक ही थे, और ये कोई देवता नहीं बल्कि एलियन थे जिसको उस वक्त के लोग देवता समझ बैठे। जब स्पेनिश लोग पहली बार यहाँ आए तो उन्होंने पूमा पुंकू के हमारा लोगों से पूछा कि आपने ये इमारत कैसे बनाई, तो उन्होंने कहा कि इसको हमने नहीं बनाया बल्कि हमारे देवता आसमान से जो आए थे उन्होंने इसको बनाया, और एक ही रात में। क्या वो वाक्य में एलियन थे? नाज़रीन, आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया और आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे हर नए आने वाले ऐसे ही मालूमती वीडियोज़ आपको बड़े वक्त तो बआसानी मिल सकें।